तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हाउ टू हाउ टू करिएट गूगल एडवर्ड तो बिफोर वी जंप इन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम एडवर्ड यूज करें या कोई एडवर्टीजमेंट के लिए चीज़ यूज करते हैं एंड दिस होल्ड ट्रू फॉर गूगल एडवर्ड ऑल्सो एंड फेसबुक एड ऑल्सो हम हमेशा एक कम्पेन क्रिएट करते हैं यानी कम्पेन से मुरादी होता है कि वी असाइन सर्टन बजट वी असाइंड हम कुछ चीज़ें कॉन्फिगर करते हैं फॉर अ फॉर अ पर्टिकुलर डे या फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम डेट्स और फिर हम उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो हमने जब भी कोई मार्केटिंग चीज़ मार्केटिंग से रिलेटेड या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीज़ लॉन्च करनी होती है तो हम उसको कम्पेन बोलते हैं क्योंकि कंपेन से मुरादी होती है कि हम कोई नई ऑफरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं इसको अब हम लोग हैंड्स ऑन करके देखते हैं सो गूगल एडवर्ड पे जाने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका जी का एड्रेस आप यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हुए आप एडवर्ट पर जाएँ अब आप देखें टॉप राइट के ऊपर आपको एक कस्टमर आईडी डी असाइन कर दी गई है मेरे केस में आईडी है एट डबल टू टू फोर सेवन फोर नाइन सिक्स ज़ीरो अब यहाँ देखें आपके पास तीन स्टेप हैं जो आपने करने होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हैं एक अबाउट योर बिजनेस होता है एक योर फर्स्ट कैंपेन होता है जो ये है और एक पेमेंट होता है मैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं हुआ तो जब आ, आप फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा कुछ डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो जो भी आपका रेलिवेंट बिजनेस है जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट करना चाह रहे हैं गूगल एडवर्ड को यूज़ करते हुए वो आप लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी आप मार्केट करते हैं तो एवरीथिंग इज अ कम्पेन तो आप कंपेन को आप क्रिएट करते हैं उसके बाद आप कंपेन की पेमेंट करते हैं दैट इज द लास्ट स्टेप सो सबसे पहली चीज जो आपने कंपेन को सेटअप करते वक्त आपने बतानी है एडवर्ड में वो ये है कि वॉट इज योर बजट आप कितना बजट डेली बेसिस पे खर्च करना चाह रहे हैं इस एडवर्ड कंपेन के ऊपर अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हंड्रेड लिखा हुआ था लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थ्री हंड्रेड कर देता हूँ तो अब आप यहां देखें इट विल रिकल्कुलेट ये आपको दो चीज़ें बताएगा एक क्लिक्स पर डे और एक इम्प्रेशंस जो हमने डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं तीन सौ रुपए पर डे स्पेंड करूंगा इस कंपेन के ऊपर तो जो डेली पोटेंशियल रीच है वो सेवेंटी वन प्लस क्लिक्स हैं और एक हज़ार इम्प्रेशंस है इससे मुराद ये है अगर आसान लफों में आपको बताऊं कि अगर मैं तीन सौ रुपए एक दिन देने को तैयार हूं गूगल को तो मेरे पास जो जो पोटेंशियल क्लाइंट आ सकते हैं मेरी इस कंपेन के थ्रू एडवर्ड के थ्रू वो सेवनटी वन है सेवेंटी वन पोटेंशियल क्लिक्स हैं तो वन क्लिक इज एक्चुअली अ पोटेंशियल क्लाइंट और एक हजार से ज्यादा इंप्रेशंस मेरे पास आ सकते हैं अब देखें द मोमेंट आई विल चेंज द अमाउंट लेटर सपोज मैं इसको फाइव हंड्रेड करता हूँ यू विल सी कि ये जो इंप्रेशन और क्लिक्स हैं दीज थिंग्स विल यू नो वेरी अब जैसे ही मैंने फाइव हंड्रेड पर डे किया तो 89 हो गए क्लिक्स और 2000 हज़ार हो गए लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको 150 करता हूँ एंड जो भी क्लिक्स या इम्प्रेशन आते हैं मेरे सामने सो so, 50 क्लिक्स एक, एक हज़ार प्लस इम्प्रेशन दैट्स अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू कॉन्फिगर मैं इसको सेव किया उसके बाद मैं आगे मूव होता हूँ कि चूज़ योर टारगेट ऑडियंस अब टारगेट ऑडियंस का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ हर जगह के लिए सूटेबल नहीं होती यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग फॉर एग्जाम्पल तो बींग अ ट्रैवलर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन किधर हैं फॉर एग्जाम्पल यूरोप इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री मेरा कोई प्रोडक्ट है example, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है या जर्नी से रिलेटेड है तो मैं चाहूंगा मेरे प्रोडक्ट यूरोप में ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल दी यूरोपियन गाइज आर मोर ट्रैवल फ्रीक वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं दे लव टू ट्रैवल फॉर एग्जाम्पल मोर एज कम्पेयर टू एशियंस तो जो भी मेरे प्रोडक्ट की ऑडियंस है फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ मार्केट करना चाहता हूँ तो आई नो कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस है यूज़र्स भी पोटेंशियल ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की या जो कंपेन है उसकी लोकेशन मैं पाकिस्तान भी कर सकता हूँ ऑल कंट्रीज़ यानी मैंने जब ऑल कंट्रीज किया तो इसका मतलब है पूरी दुनिया तो ये डिपेंड करता है कि मैं क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ ऑब्वियसली ये वेरी करेगा उन चीज़ों के ऊपर जो आप ऑफर कर रहे हैं मैं ऑल कंट्रीज पे क्लिक किया तो उसने मुझे कहा जी जो बजट आपने सेट किया है उसके हिसाब से 149 क्लिक्स और 2000 हज़ार टू के से मुनाल दो हज़ार इम्प्रेशंस पर डे आप रीच कर सकते हैं मैं फॉर एग्जांपल अभी फॉर द टाइमिंग पाकिस्तान ही क्लिक करता हूं तो लेट सी के ये मुझे 50 क्लिक्स और वन के इम्प्रेशन आप ये चीज़ देखें कि जो बजट मैं चेंज नहीं कर रहा लेकिन जो क्लिक्स और इंप्रेशन हैं वो लोकेशन की बेसिस पे चेंज हो रहे हैं अगर मैं पूरी दुनिया को क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक्स और इंप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं अगर मैं एक स्पेसिफिक कंट्री को कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान तो क्लिक और इंप्रेशन कम हो रहे हैं इस पूरी कहानी में जो मिथ है वो ये है कि गूगल विल नेवर एवर टेल यू कि किस प्रोसेस के जरिए किस एल्गोरिदम के जरिए ये क्लिक्स कम ज़्यादा हो रहे हैं हम सिर्फ ये गेस कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं तो क्लिक ज़्यादा महंगे हैं अगर हम ज़्यादा कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं तो क्लिक सस्ते हैं आसान लफ्ज़ों में मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि मैं पाकिस्तान में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूं उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया नेक्स्ट मुझे अब ये बताना है कि कहां पे मैं अपने गूगल एडवर्ड को डिस्प्ले करना चाहता हूं मतलब कहां से मुराद ये है एक गूगल के अपनी वेबसाइट्स हैं जो गूगल डॉट कॉम पे रजिस्टर्ड है एडवर्टाइजर्स कंपनी जो गूगल एडवर्ड के थ्रू गूगल पे रजिस्टर्ड है यह एक नेटवर्क है दूसरा एफिलियट का नेटवर्क है एफिलियट का नेटवर्क आसान लफ्जों में यह होता है कि वो कंपनीज जो गूगल से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है लेकिन गूगल की पार्टनर है क्या आप वहां पे भी अपना एड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर अभी फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्ले एक नेटवर्क पे क्लिक किया हुआ है उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज आपने दिमाग में रखनी है जब हमने अभी थोड़ी देर पहले यह देखा था कि हाउ एडवर्ड वर्क तो वो सारी की सारी चीज ट्रांसलेट हो रही थी एड रैंक के ऊपर कि मेरी जो गूगल का एडवर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है हाउ गुड और बैड इट इज और वो डायरेक्टली लिंक था कि मैं कीवर्ड में क्या दे रहा हूं प्रोडक्ट की ये वो कीवर्ड है जो मैंने कंपेन बनाते वक्त यानी प्रोडक्ट को मार्केट करते वक्त बताना है अब लेट सपोज मेरा प्रोडक्ट क्लोज से रिलेटेड है या मैं कहता हूँ ट्रैवल से रिलेटेड है तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्रैवल ऐड कर देता हूँ यानी मैं कीवर्ड 15 से 20 ऐड कर सकता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्लिक्स और इंप्रेशन चेंज हो रहे हैं दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग जब हम ऑडियंस को रीच आउट करने की बात करते हैं कीवर्ड प्लेज की रोल सबसे की रोल आपके कॉन्टेंट का है दिस इज वॉट वी कॉल कॉन्टेंट उसके बाद अब गूगल आपको यह कह रहा है कि जब आपका एड बिड में आ जाता है तो आप कितने पैसे देना चाहते हैं पर क्लिक जब हमने गूगल एडवर्ड देखा था कि हाउ इट वर्क तो जो आपका एड रैंक बनता था वो दो चीजों को मिला के बनता था एक आपका क्वालिटी स्कोर यहां पे क्वालिटी स्कोर डायरेक्टली मैप है की से नंबर वन दूसरा था आपकी मैक्सिमम बिड ये वो बिड है जो हम अपने बजट में सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि जो आपने बजट रखा है ऊपर डेली उसमें से मोस्ट ऑप्टिमाइज बिड क्या होनी चाहिए आप खुद भी बिड अमाउंट सेट कर सकते हैं लेकिन मैं अभी गूगल जो सेट करेगा मैं आई विल गो बाय दिस नाउ कम द लास्ट पार्ट के मुझे अब वो एड डिज़ाइन करना है जब मैंने एड डिज़ाइन करना है जो कस्टमर को नजर आना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो आपसे पहले पूछेगा जी कि जब क्लाइंट क्लिक करे एड पर तो कहाँ पर रिडायरेक्ट हो वो तो यहाँ पर मुझे किसी डोमेन का नाम देना पड़ेगा किसी वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक डोमेन रजिस्टर कराई हुई है जंकी स्टोर डॉट कॉम आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है फिर आप बताएंगे कि आपकी हेडलाइन क्या होगी रिलेटेड सर्च आएगी तो मुझे क्या नजर आएगा लेट सपोज अब क्योंकि ऊपर मैंने कीवर्ड जर्नी लिखा था लेट मी राइट हेयर लव टू ट्रेवल फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिख दिया कि ये एड पे टॉप पे नजर आएगा हेडिंग वन में हेडिंग टू में ही नजर आएगा विद कंफर्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं आई टर्न यू विद कंफर्ट से मुराद है कि मैं ट्रेवल आसानी से करना चाह रहा हूं यानी जब इस एड पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी रिलेटेड टू योर ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है देन मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है जो यहां पे नजर आएगी मैं लिखता हूं कि ट्रैवलिंग अक्रॉस वर्ल्ड हॉलीडेज ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो जिनकी बेसिस पे क्लाइंट को आपका एड नज़र आएगा मैंने इसको यहाँ पे किया सेव उसके बाद ये मैंने अब कंपेन का पेज कर लिया है कॉन्फिगर उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा इसका मतलब है कि मैंने जो कंपेन बनानी थी ना वो बना ली है अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आई विल बी रीडायरेक्टेड टू लास्ट पेज दैट विल बी रिलेटेड टू पेमेंट जब मैं पेमेंट पे आऊंगा तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन बिलिंग कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान टाइम जोन आ रहा है फाइव फाइव आवर प्लस जीएमटी जो आपने यहाँ पे असल इन्फॉर्मेशन देनी है ना वो ये ये पेमेंट से रिलेटेड है दिस इज योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दोगे और यहाँ पे आई एग्री कर दोगे फिनिश एंड योर एड विल बी क्रिएटेड वॉट डज इट ट्रांसलेट टू इट ट्रांसलेट टू कि आपका कॉन्टेंट अगर रिच हुआ जो कि ऑबियसली मैंने मैं अगर सर्च करूंगा तो अगर आपको कॉन्टेंट रिच होगा तो आपका वो एड आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जो हमने बनाया है। इसका मतलब ये है कि द मोमेंट यू विल पे द अमाउंट एंड यू सबमिट दिस एड जो हमने बनाया है, वो गूगल के ऑक्शन वाली जो जो ऑक्शन का प्रोसेस है उसमें आना शुरू हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी अब एड की रैंकिंग होना शुरू हो जाएगी अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया था आई जस्ट वॉन्ट टू रिहाइटरेट नो वन एक्सेप्ट ऑमेसी जो गूगल में लोग काम करते हैं कि रैंकिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म है क्या यानी जो क्वालिटी स्कोर है वो एक्चुअली कैसे ड्राइव होता है तो हम सिर्फ ये गेस आउट कर सकते हैं कि जो हमने कीवर्ड दिए हैं और जो मोस्ट रेलिवेंट एड्स हैं इनका कुछ कॉम्बिनेशन है और इससे ज्यादा हम कोई नहीं कर सकते दिस इज अ वे टू क्रिएट योर कैंपेन टू प्रमोट योर बिजनेस इन गूगल एडवर्ड